सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक जिस फिल्म की चर्चा रही इन दिनों, वो रही कबीर सिंह। कबीर सिंह फिल्म ने जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज्यादा आलोचनाओं का शिकार रही। इस फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आईं। वहीं फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी पर और इसमें दिखाए गए उन दृश्यों पर उंगली उठाई, जिनसे साफ दिखाई देता है कि एक हीरो नशा करता है और हमेशा गुस्से में रहता है। वो अपनी नौकरानी को ग्लास टूटने पर भी मारने को तोड़ता है। इस फिल्म की कई लोगों ने आलोचना की और कई लोगों ने तारीफ की। बहरहाल फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और कुछ सुपरहिट फिल्मों में शुमार भी हो गई है। फिल्म के बेहतरीन बिजनेस को देखकर तो ये साफ जाहिर है कि यूथ को ये फिल्म जरूर पसंद आई है और इसी के चलते फिल्म ने एक अच्छा बिजनेस भी किया है। वहीं आपको बताने की सेलिब्रिटीज में विद्या बालन पहले भी इस फिल्म की आलोचना कर चुकी हैं और वो कियारा आडवाणी के रोल की भी आलोचना कर चुकी हैं और अब सामने आई हैं करीना कपूर। करीना कपूर काफी समय से इस बात से बच रही थी तो इस फिल्म को लेकर कोई भी बयान दे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक बयान दे ही डाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर ने आखिरकार ये बात स्वीकार कर ली है कि वो इस फिल्म से नाखुश हैं। आपको बता दें कि करीना कपूर ने एक फिल्म क्रिटिक से बातचीत के दौरान इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रीति जैसे कैरेक्टर पर मैं भरोसा नहीं करती हूं। वहीं करीना कपूर ने ये भी कहा कि माना ये फिल्म बहुत अच्छी चली है और सुपरहिट रही है, ये खुशी की बात है, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है उनके लिए मैं थोड़ा बुरा महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों कहा करीना कपूर ने, इसका कोई रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि करीना कपूर वो दूसरी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म कबीर सिंह की आलोचना खुलेआम की है। इससे पहले विद्या बालन इस बात को कह चुकी हैं कि उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।